बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हर फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोढ़ी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि हर दिन हर शाम हम आपके लिए लेकर आते हैं सुपर फाइट, यानी आज दिन भर की क्या कुछ बड़ी खबरें रही उन पर हमारा पूरा फोकस बना रहता है। और आज की पांच बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज बड़ी घटना सामने आ रही है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, जहां पर एक दलित समाज के युवक ने अपने आप पर केरोसिन, पुलिस से परेशान होकर केरोसिन डालकर आग लगा ली खुद को। दूसरी बड़ी घटना आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी का संघर्ष लगातार जारी है और कई सारे सेक्टर के प्रभारी मंडल है वो चेंज करते हुए नए बना दिए गए हैं। तीसरी आपको बड़ा घटना बता दें कि चंद्रशेखर आजाद आज भीम आर्मी के जो चीफ हैं वो सहारनपुर जिला कोर्ट पहुंचे। चौथी बड़ी घटना की रुक करते हैं, आपको बता दें कि पंजाब के संगरूर के अंदर एक दलित युवक को बांध कर पीटा गया, उसे पैसा पीने के लिए भी मजबूर किया गया। पांचवी बड़ी घटना की रुक करते हैं, आपको बता दें कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी और देश भर के लोगों ने उनको याद किया। इधर आपको बता दें कि आज की पांच बड़ी ये घटनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से और का कुछ वो आराम से हम आपको बताते हैं। पहली बड़ी घटना की रुक करते हैं, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जो जिला है वहां पर आपको बता दें कि दो बच्चों को मारने की घटना पिछले महीनों आपने सुनी हो, वहीं पर अब एक बड़ी घटना सामने आई है कि एक दलित समाज के युवक ने अपने आप पर पुलिस थाना के सामने, फिजिकल जो थाना है शिवपुरी का, उसके सामने अपने आप को केरोसिन डालकर अपने आप खुद को आग लगा। अब आग लगाने की वजह क्या है वो आपको मैं बताऊं। आपको बता दूं कि युवक जो है उसका नाम राजेश जाटव था और आपको बता दें कि राजेश जाटव ने अपनी पत्नी और बच्चों को बस में बिठाकर किसी गांव के लिए रवाना किया था, वो कहीं जा रहे थे, लेकिन उनके बच्चे और पत्नी वहां तक उस गांव तक नहीं पहुंचे। इसी से नहीं पहुंचने के बाद वो अपनी उनकी लापता होने की सूचना है देने गए पुलिस थाना में, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें अलग अलग जानकारी कहते आपका रेजिडेंस यहाँ पर है तो यहाँ पर है, गायब है वो ये तो वहाँ के थाने में लिखाओ, कभी जिस थाने में उस थाने में करते करते वो उस चीजों से परेशान हो जाएगा और किसी भी थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अंत में उन्होंने फिजिकल थाना जो है शिवपुरी का उसके सामने अपने आप को केरोसिन डाला और खुद को आग लगा दी। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस के लोगों ने वहां पर भाग कर उसको बचा तो लिया, लेकिन कई बुरी तरीके से उसका अधिकांश जो भाग है वो जल चुका है। तो ये आज की बड़ी घटना है कि पुलिस की कितनी निर्दयता इसमें साफ साफ झलकती नजर आ रही है। दूसरी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं, आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 6 नवंबर को अपनी संगठन की समीक्षा बैठक बुलाई, पूरे देश भर के बड़े बड़े कार्यकारिणी के नेता और साथ ही जो यूपी के जो लोग थे उन तमाम लोगों को बुलाया, उसके बाद नई जिम्मेदारी सौंपी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब नई जिम्मेदारी सौंप कर सेक्टर बनाए और सेक्टर के तहत जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई। साथ ही आपको बता दें कि पिछली इस बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ी कार्यवाही हो रही है, आगरा मंडल, मेरठ मंडल, मैनपुरी मंडल, इन तमाम जगहों पर बीएसपी ने अपने पुराने पुराने जो नेता थे, बड़े बड़े नेता थे जो एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन तमाम लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जो तीसरी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं, और आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद अपने एक पुराने केस मामले को लेकर आज सहारनपुर जिला कोर्ट पहुंचे। सहारनपुर जिला कोर्ट के दौरान उस दौरान भारी तादाद में पुलिस भी मौजूद रही और भीम आर्मी के समर्थक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद इसी मामले को अंदर पेश हुए थे और उस दौरान उनको जमानत मिलने के बाद वो करीब 2.5 महीने से बाहर आए थे, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में बंद थे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर मामले को लेकर, उनको तुगलकाबाद से गिरफ्तार किया था और करीब 2.5 महीना जेल में रहने के बाद उनको जमानत 26 तारीख को मिल गई थी और उसी मामले में आज उनकी पेशी हुई थी। चौथी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें पंजाब के संगरूर के अंदर एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर चंगा रिलीवाला गांव के अंदर एक दलित समाज के युवक को दबंगों ने पीटा, ना केवल खंभे से बांध कर पीटा बल्कि उसको सारी रात पीटते रहे और जब तक ये नहीं पता चला कि जिंदा है या मुर्दा तब तक उसको पीटते रहे। साथ ही जब उसने बीच में पानी मांगा तो उसको पेशाब भी पिला दिया गया। ये बड़ी घटना है पंजाब की। पांचवी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। आपको बता दें कि आदिवासी क्रांतिकारी जननायक के तौर पर आदिवासियों में जान फूंकने वाले, आदिवासियों में क्रांतिकारी के बिगुल बजाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती देश भर के अंदर मनाई गई। आपको बता दें कि कहीं देर तक सुबह से लेकर शाम तक ट्विटर के ऊपर भी कल शाम से बिरसा मुंडा की जयंती एक नंबर पर ट्रेंड करती रही। तो बहुजन समाज के लिए आज बड़ा दिन था, इस दौरान बहुजन समाज के लोगों ने उनको याद किया। खास ही आपको बता दें उनके राज्य झारखंड में इस समय चुनावी माहौल भी बना हुआ है। मिलेंगे किसी नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया।